संस्कार, अच्छे विचार, एक हल्का सा झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वह पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। खूबसूरत तस्वीर नेगेटिव से तैयार होती है और वो भी अंधेरे कमरे में, इसीलिए जब भी अंधकार नजर आए तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन होता है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में भले ही पानी अपार है पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार होता है। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं पर लालच नहीं। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नज़र से मत गिरना। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समुद्र बनकर क्या फायदा बनना है, तो छोटा तालाब बनो जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। दीपक इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, परंतु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों से नहीं दूसरों के लिए जलता है। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ता जाएगा। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। आपकी सफलता से ज़्यादा असफलता पर लोग खुश होते हैं, इसलिए दूसरों की खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए जिए। जितना छोटा हमारी सोच का दायरा हुआ उतना ही छोटा हमारी सफलता का दायरा होगा। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब बहुत कुछ सीख सकता है। भगवान दे तो शुक्र करें और ना दे तो सब्र करें। लंगड़ा भी दौड़ता है जब शेर पीछे पड़ा हो, क्योंकि उसके भागने का स्पष्ट उद्देश्य होता है। इसी प्रकार आप भी सफल होने लगते हैं जब आपके जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है। दोस्तों, वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।